work till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Hello, welcome to IMS. हम पढ़ रहे थे कॉलम बेस, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था हमारा स्लैब बेस और हमारा लास्ट है हमारे इसके अंदर गजेटेड प्लेस। अब स्लैब बेस और गजेटेड प्लेस बताने से पहले मैं बताऊँ कि चीज़ क्या होती है। पहली बात है ना कि भाई हम स्लैब बेस क्यों यूज़ लेते हैं, गजेटेड प्लेस क्यों यूज़ लेते हैं। भाई हम स्लैब बेस इसलिए लेते हैं कि भाई ये एक हमारे पास ये आरसीसी हमारे पास ये पेडेस्टल है ना, ये आरसीसी पेडेस्टल पे है। जब हमें कॉलम को वेल्डेड करना होता है, जब हमें कॉलम को वेल्ड करना होता है ना, तब हम यहाँ पे स्लैब बेस का काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे कंक्रीट पे तो वेल्ड कर नहीं सकते, कंक्रीट पे वेल्ड करने के लिए हमें इस पे वेल्ड इसमें लगानी कंक्रीट लगानी हमें एक हमें पहले ब्लेस पेट लगानी की बेस प्लेट लगाएंगे, फिर उस बेस प्लेट पे हम कॉलम लगाएंगे ताकि ये कॉलम इस प्लेट पे वेल्ड हो जाए और ये जो प्लेट है ये आरसीसी पे फिट हो जाए। कैसे? क्योंकि यहाँ पे चार बोल्ट्स लगते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। ये होती है हमारी, वो होती है हमारी वेल्ड होती है, वो होती है हमारी स्लैब बेस हो गई कि भाई उसमें सिंपल एक स्लैब से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? हमें वेल्ड से कनेक्ट करना है। वेल्ड से कनेक्ट करने के लिए हमें भी बीच में बेस प्लेट लगा दी। ये हमारा पहला होता है। अब सेकंड ऐसा होता है कि भाई हमें यहाँ पे सेकंड में ऐसा होता है कि हमें बोल्टेड कनेक्शन करना है। अगर वहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन करने के लिए स्लैब बेस यूज़ किया जाता है, अब यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन करने के लिए गजेटेड प्लेस यूज़ किया जाता है। अब भाई ऐसा होता है कि ये कॉलम लगाई हमने, ये कॉलम लग रही है इधर, है ना। अब ये कॉलम है, कॉलम डायरेक्ट इसमें तो कर नहीं सकते क्योंकि फिर बाद में वो बोल्ट फिक्स ही नहीं होंगे सही तरीके से, है ना। इसमें करने के लिए हमें एक एंगल लगाना होगा और एंगल हमें पता है कि भाई किसी बोल्टेड के लिए हमें एक गजेट प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गजेट प्लेट होगी ना, वो हमारा गजेट बेस प्लेट बन जाएगी। मतलब आप हमें पता है कि भाई बोल्ट लगाने किसे कनेक्शन करने के लिए बोल्ट लगाने के लिए हमें गजेट प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो एंगल हमारा यहाँ पे सपोर्टर हो गया और गजेट प्लेट यहाँ पे जिस पे ये लग रही है ये बोल्ट लगेगा। तो ये होता है हमारा वो गजेट बेस और एंगल वो स्लैब बेस के अंदर डिफरेंस होता है। भाई यहाँ पे हमारी लग गई, यहाँ पे तो हमारी गजेट लग गई क्योंकि हमें बोल्टेड कनेक्शन करना है और वहाँ पे हमारे वेल्डेड कनेक्शन करना था इसलिए हमारा बेस प्लेट लग गई। ये हमारा एक कॉमन सा वो होता है, कॉमन व्यू होता है भाई। अब उसके अंदर हमें पता है कि भाई हम स्लैब बेस डिज़ाइन करते हैं, हमें सिंपल चीज़ निकालनी थी, हमें निकालनी होती है लेंथ ब्रेथ और थिकनेस निकालनी होती है हमें उस बेस प्लेट की, है ना। ये होता है। अब इसी में भी यही चीज़ है इसके अंदर, इसके अंदर आपको बेस प्लेट की लेंथ ब्रेथ और थिकनेस लगानी है और फिर बाद में जो आप गसेट प्लेट बेस प्लेट लगाएंगे उसकी भी आपको लेंथ ब्रेथ और थिकनेस निकालनी है। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है भाई। अगर आपने ये निकाली और ये निकाला तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, फिर बोल्टेड अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है। बोल्टेड इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। अब हम इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन से करते हैं, है ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं ज़्यादा अच्छे से आएगा। भाई एक कॉलम है IHSB 350 @661.2 न्यूटन पर एमएम का, यहाँ पे एक कॉलम हमको दे रखी है ना, कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव फैक्टर लोड ऑफ 1700 किलोन्यूटन। अब ये 1700 किलोन्यूटन का यहाँ पे एक लग रहा है, ये लोड लग रहा है इधर। अब डिज़ाइन ए सूटेबल बोल्टेड गजेट प्ले बेस, बोल्टेड बोल दिया। अभी बोल्टेड होता है, बोल्टेड के लिए गजेट प्लेट लगानी पड़ती है। मतलब जहाँ पे हमने को बोल्ट कह दिया ना, मतलब वहाँ पे वो गजेट प्लेट लगानी है, और अगर जहाँ वेल्ड कह दिया वहाँ पे आपको फिर बेस प्लेट लगानी है, बेस स्लैब बेस का हो जाएगा। तो गजेट प्लेट द बार रेस्ट ऑन M20 कंक्रीट। अभी M15 कंक्रीट है। अब ये जो ये बार है यहाँ पे, ये जो कंक्रीट है ये M20 की है, मतलब ये M15 की है, ये M15 ग्रेड की कंक्रीट है, इसके ऊपर ये बार रेस्ट हो रही है, है ना। तो यूज 224 mm डाया बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर मेकिंग द कनेक्शन। अब यहाँ पे हमें को बोल्ट ही बता दी कि किस बोल्ट का यूज़ करना है और हमें कनेक्शन करना है, भाई हमें बोल्टेड कनेक्शन करना है, इसीलिए हमें गजेट प्लेट गजेट बेस की यूज ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल है, यही चीज़ अगर हमने करनी है। सबसे पहले हमें कंक्रीट की बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी होगी कि भाई ये कितना लोड बेयर कर सकता है पर यूनिट पर, मतलब ये यूनिट वाइज दे रहा है ये, यहाँ तक ना ये जो बेयरिंग है ना ये यूनिट वाइज होगी, मतलब पर यूनिट, मतलब पर एम 1 mm या फिर पर 1 के हिसाब से लेंगे ये यूनिट। पता है भाई यूनिट क्या होती है अपनी? सबसे पहले होगी बेयरिंग कैपेसिटी, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बेयरिंग स्ट्रेंथ 0.45 FC के, अपने को पता है ये अपने कंक्रीट है, ये जब अपन आरसीसी के लिए अपन यूज़ करते हैं ना कोड, वो है IS 456-2000 का, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा क्लॉज नंबर 34.4 पे है, शायद तक पेज नंबर 68 आई थिंक।
उसमें से आपको 66.75 न्यूटन पर एम से आपको कोई बेरिंग स्ट्रेंथ मिल गई यहाँ से। अब इसके बाद अब आपको कितना एरिया, सबसे पहले आपको क्या डिज़ाइन करना है, पहले आपको बेस प्लेट डिज़ाइन करनी है भाई, किस बेस पे आप इसको रखोगे। तो पहले बेस प्लेट डिज़ाइन करनी है, तो बेस प्लेट के लिए पहले बेस प्लेट का आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या हुआ अपने पास, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस होता है पी अपॉन में ए होता है, प्रेशर अपॉन में एरिया होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास एरिया रिक्वायर्ड होगा पी अपॉन में स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस निकाल लिए और अपने पास फोर्स भी अपने पास है फैक्टर लोड, तो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास 251.85 × 10⁻³ हमारे पास यहाँ पे एरिया आ गया, मतलब एरिया रिक्वायर्ड एरिया आ गया। मतलब इतना कम कम से कम इतना एरिया तो चाहिए ये बेस प्लेट का, कम से कम हमें इतना एरिया तो चाहिए कि भाई ये बेयर कर ले, ठीक है। अब इससे हम ज़्यादा ही लेते हैं हमें पैसे। अब यहाँ पे डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम स्लैब बेस के अंदर डायमेंशंस का सिंपल तरीका होता है, इसमें भी थोड़ा वैसे ही होता है पर इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें कैसे निकालना है कि भाई ये एक हमारा ये एक है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, हम इसको अबव से देख रहे हैं, ये हमारा एलिवेशन है और ये हमारा प्लान है, तो हम इसको अबव से देख रहे हैं। तो अबव में होती है ये तो हमारा सेक्शन है भाई, ये तो हमारा कॉलम है, दिस इज आवर कॉलम एंड दिस एंड दिस आर इज आवर गजेट प्लेट, ओके। और गजेट प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, कॉलम से गजेट प्लेट को जोड़ने के लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ती है, वो हमारा ये एंगल है, ओके। ये बोथ साइड्स में एंगल्स लगेगा, ओके। दैट्स इसको हम सपोज कर लेते हैं एंगल को 115 × 15 mm का, ठीक है। इसके हिसाब से हमने ज़ूम कर लिया हमने यहाँ पे। अब एंड ऑफ द कनेक्शन यहाँ पे एंड में लगेगी, जो पहले तो अपने यहाँ पे लगेगी अपने गजेट, पहले अपना ये कॉलम है, कॉलम के जस्ट बाहर अपने लगेगी गजेट प्लेट्स, फिर जस्ट गजेट की जस्ट बाहर अपने लगेगी यहाँ पे कॉल वो एंगल सेक्शंस लगेंगे, ओके। ये एंगल सेक्शन दोनों लगेंगे और दोनों तरफ के एंगल सिमिलर होंगे, दोनों के सेम ही एंगल होंगे, जो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इधर होगा, ताकि हम सेक्शन करके अगर यहाँ की वैल्यू निकालें ना, वो हमारे यहाँ की वैल्यू के बराबर आए, ताकि दिक्कत नहीं हो इधर उधर। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, जो ये बेस प्लेट हमारे पास है, हमको बेस प्लेट की हमें डायमेंशन निकालनी, तो ये लेंथ और ये विड्थ निकालनी है। विड्थ निकालनी है, कैसे निकालते हैं विड्थ, कैसे द लेंथ ऑफ बेस प्लेट करना है। अब लेंथ ऑफ बेस प्लेट कैसा है, अब यहाँ पे देखो आप लेंथ ऑफ बेस प्लेट, ये तो अपने पास आई सेक्शन है, आई सेक्शन 350 मतलब यहाँ पे 350 mm की, तो आई सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे अपन ने अज्यूम कर लिया कि 16 mm का अपन ने यहाँ पे गजेट प्लेस की थिकनेस दे दी, अपने 16 mm की अपन ने गजेट प्लेस की थिकनेस दे दी। अब 16 mm के बाद अपन यहाँ पे एंगल सेक्शन लगाएंगे, एंगल सेक्शन अपने कितना है 150, 115 और 15 mm का है ना, तो यहाँ पे जो 115 है ना, ये होगी ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस होगी, और फिर उसके बाद जो ये डिस्टेंस होगी ये हमें देनी होती है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमें देनी होती है, ताकि ये एक थोड़ा सही जगह से सही तरीके से लग जाए भाई। भाई अगर जस्ट कॉर्नर कॉर्नर में दे देंगे ना, तो कनेक्शन से प्रॉब्लम होती है, कॉर्नर कॉर्नर में नहीं देना चाहिए, इसलिए हमने कुछ डिस्टेंस पे इनको रखा है। अभी डिस्टेंस हमने मान ली, कैसे मानेंगे अब ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे अब हम निकालेंगे इसकी लेंथ, लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे 350 ये एच, दिस एच एच ऑफ आई सेक्शन 350 प्लस का 16 16 216, हमारे पास दो का 16 है हमारे पास, प्लस हमने दोनों तरफ गजेट प्लेस है, फिर प्लस में जो ये हमारे पास नीचे ऐसे लगी हुई है हमारे पास ये प्लेट, हमारे पास ये गज एंगल है ना, ये हमारे पास ऐसा लगा है, तो ये तो कॉलम से जुड़ा हुआ है और ये नीचे ब्लेस प्लेट से जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया ये, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास 115 आप यहाँ पे आ गई, तो दो तरफ हो गई 115। अब यहाँ पे हमारे पास ये आएगी टू, ये आ गई हमारे पास 612 हमारे पास ये आ गई, बस 612 आ गई, तो हमने कर दिया 620 mm, हमने यहाँ पे 620 mm का हमने यहाँ पे अब ले लिया यहाँ पे प्लेट, मतलब हमने दोनों तरफ है ना कितने कितने देख लिए, हमने दोनों तरफ चार चार लगा दी, ओके आठ है ना ये, दोनों तरफ चार चार लगा दी हमने। अब ब्रिथ ऑफ बेस प्लेट करेंगे, ब्रिथ ऑफ बेस प्लेट कैसे करेंगे हम, भाई ब्रिथ ऑफ बेस प्लेट होता है अपने पास एक अपना फॉर्मूला होता है, एरिया का होता है बी इंटू का एल, मतलब एल इंटू का बी या बी इंटू का एल, बात है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ब्रिथ क्या होगी, एरिया अपॉन में एल, दिस इज एरिया एंड दिस इज अपना एल निकाल लिया हमने यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से 406 की हमारे पास यहाँ पे आ गई प्लेट, 406 आ गई, तो उससे हमने 410 mm कर दिए, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड हमारे पास यहाँ पे बेस प्लेट आ गई, हमारे पास कितनी बेस प्लेट आई हमारे पास 620 × 410 है ना, हमारे पास ये बेस प्लेट आ गई, ये हमारे पास लेंथ और ये ब्रेथ आ गई। अब हमें थिकनेस निकालनी है, अब थिकनेस कैसे निकालेंगे, थिकनेस का भी सिंपल होता है, सबसे पहले आपको प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी होती है, मतलब यहाँ पे आपका ये जो कॉलम है
या आप इसी कॉलम बेस प्लेट के ऊपर क्या क्या यूनिफॉर्म प्रेशर दे रहा है वो निकालना है। तो पी अपन में ए, अपने को पता है पी अपन में ए होता है, तो अपना हो गया 1700 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाई 620, 620 यही है, याद है ना, 620 इंटू का 410, यहाँ पे हमारे पास आएगा 6.68 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब ये जो आता है ये न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये हमारा कम होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे स्ट्रेस निकाला है ना, मैंने सबसे पहले हमने जो स्ट्रेस निकाला है ये हमारे बेरिंग स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर ये कंक्रीट की बेरिंग स्ट्रेंथ है, अगर यहाँ पे इसका प्रेशर इंटेंसिटी कंक्रीट के बेरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ पे कंक्रीट फेल हो जाती है, कंक्रीट कंक्रीट टूट जाती है, कंक्रीट क्रैक्स आ जाएंगे, ऐसा है ना। तो यहाँ पे कम होना चाहिए, अगर ये कम हो गया तो मतलब आपने जो ब्रेथ लिया ना, वो लेंथ और जो ब्रेथ लिया आपने वो आपकी ओके हो गई, मतलब यहाँ पे एक आपका चेक भी लग गया और यहाँ पे आपका प्रेशर इंटेंसिटी भी निकल गई। अब आपको थिकनेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थिकनेस निकालने के लिए आपको ये थिकनेस ऑफ बेस मोमेंट बेस प्लेट निकालने के लिए आपको कैंटिलीवर लेना होगा, मतलब जो ये कॉलम है, कॉलम बेस और ये एंगल की वजह से जो अपना ये लग रहा है ना इधर फोर्स, मतलब इधर से आप वो निकालेंगे अपन, यहाँ से हम इसका मोमेंट निकालेंगे, इसे इस फोर्स की वजह से, इस डिस्टेंस पे जो फोर्स लगा उसकी वजह से हम यहाँ पे जो इस डिस्टेंस पे यहाँ से लेके यहाँ पे इस पॉइंट पे हम मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि अपना ये तीनों एक तरह से ये एक ही हो गई, ये तो वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल हो गई ना, तो ये वर्टिकल में हमने ये तीन आ रही है, तो एक सेक्शन की साइड लिया हमने, तो यहाँ पे कितना आया WC1² / 2, ये अपना होता है मोमेंट अपन कंटिलीवर मोमेंट हो गया। अब यहाँ पे W अपने निकाल लिया, अब C कैसे निकालते हैं, C अपना ये हम तो 115 अपना तो टोटल है, टोटल टोटल में से थिकनेस माइनस करेंगे, ये थिकनेस माइनस तो 15 माइनस करेंगे, तो अपना 115 में से 15 माइनस किया तो 100 हो गया, 100 में प्लस कर देंगे 4 तो 104 हो गया, 104 का स्क्वायर बन 2, तो हमारे पास मोमेंट आ गया, ये हमारा मोमेंट आ गया और ये हमारा एम डी इज इक्वल टू एम। भाई अपन ने भी देखा था बेरिंग से, बेरिंग स्ट्रेंथ होता है ना, ये बेरिंग का अपने पास ये चेक होता है, एक अपने क्वेश्चन करने के लिए बेरिंग का चेक देना होता है, उसका उसके अंदर से ये फॉर्मूला लेगा, मैं दिखाता हूँ एक बार, अपना जो एम डी इज इक्वल टू एम आया ये कहाँ से आया, अपना ये 8.2.1.3 क्लॉज है पेज नंबर 53 पे, एम डी इज इक्वल टू एम है ना, यहाँ पे हमारे पास ये आता है, जो हमारे पास एम डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है 1.2 ZE FY डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट, हमारे पास ये है फॉर्मूले के अंदर, ये 8.2.1.2 क्लॉज नंबर पे क्लॉज है पेज नंबर 53 पे, यहाँ पे हमारे ये फॉर्मूला है इसके पास, यहाँ पे जेड ई लिया है हमने यहाँ पे, ओके तो यहाँ से हमने फॉर्मूले की एम डी इज इक्वल टू एम कर दिया, मतलब मोमेंट हमारा जो कंटिलीवर मोमेंट है दिस इज इक्वल टू में जो इस कॉलम की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो मोमेंट क्या आ रहा है 1.2 FY ZE अपन में गामा एम नॉट, और जो जेड ई होता है वो जेड ई होता है 1 का टी का स्क्वायर अपन में 6। अब ये 1 क्यों आया, 1 इसलिए आया क्योंकि ये यूनिट ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था ये 6.68 है, ये भी यूनिट यूनिट लेंथ पे है और ये यूनिट के ऊपर ले रहे हैं, तो 1 अपने यूनिट के हिसाब से लिए, तो 1 टी स्क्वायर अपन में 6, यहाँ पे जेड ई, यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस की वो फॉर्मूला होता है, तो हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आया 4.45 न्यूटन पर न्यूटन एम एम न्यूटन एम एम है ना, तो टी हमारे पास अननोन है, थिकनेस ये अपनी प्लेट की थिकनेस हो गई हमारे पास ये, अब यहाँ पे थिकनेस टोटल थिकनेस हुई, सॉरी प्लेट की नहीं, ये टोटल थिकनेस हो गई यहाँ पे, तो हमने इसको हमने आमने सामने किया, इसको इक्वल किया हमने दोनों को, इक्वल किया तो हमारे पास टी की वैल्यू आती है 28.19 mm। अभी कंबाइंड थिकनेस ऑफ एंगल एंड बेस प्लेट, एंगल एंड बेस प्लेट की कंबाइंड थिकनेस है, लेकिन अपने को बेस प्लेट की वो क्या एंगल की थिकनेस तो अपने बताया भाई 15 होती है, तो अपन ने बेस प्लेट निकाला मतलब 13.19 उसको अपन ने ले लिया, अपन ने 16 mm ले लिया। अब ये देखना एक चीज देखना, ये जो 16 mm है ये ब्रिथ ऑफ फ्लैंज, ये जो ब्रिथ ऑफ फ्लैंज होती है ना इससे बड़ी होनी चाहिए, ये ब्रिथ ऑफ फ्लैंज क्या है 11.6। अब ये ब्रिथ ऑफ फ्लैंज अपन ने कहाँ से निकाली, अपने ये कोड से ये स्टील टेबल से लिया, ISHB 350 अपने स्टील टेबल से इसकी प्रॉपर्टी निकाली, ब्रिथ ऑफ वो थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.6 mm अपने पास है, तो और अपने गजट प्लेट अपन ने कितनी निकल गई अपने पास 16 mm, तो हमारे पास यहाँ पे ये चेक हो गया कि हमने जो थिकनेस ली वो चेक हो गई, तो हमारे पास प्रोवाइड क्या कराना है, हमारे पास 620 इंटू का 410 इंटू का 16 mm का प्लेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करानी है इधर बेस प्लेट, तो हमारे पास बेस प्लेट निकल गई, तो मतलब हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया यहाँ पे, हमने ये फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, ये पार्ट सबसे सिंपल पार्ट होता है भाई इसको निकालना, क्योंकि हमने इसका थिकनेस तो हमने पहले निकाल लेते 16 mm, भाई गैस कर लेते हैं हम पहले ही, अज्यूम कर लेते हैं, और हमारे इससे नेक्स्ट स्टेप होता है वो इतना सिंपल होता है कि भाई एक ही पन्ने में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बाद में इसके बाद क्या होता है भाई कनेक्शन है,
अब इसे कनेक्शन से हमको इसकी थिकनेस निकल जाती है। कनेक्शन क्या है अपना, वही स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन सिंगल शियर। पहले तो हम इसकी बोल्ट वे बोल्टे कितने निकालेंगे, बोल्ट कितने लगेंगे अपने, बोल्ट निकालेंगे यहाँ पे। बोल्ट कैसे निकालेंगे भाई, अपने को ए एन बी यहाँ पे अपने को 24 mm का बोल्ट दे रखा है। यहाँ पे ए एन बी अपने उसको निकालेंगे, एफ यू बी अपने को पता है 400 ग्रेड दे रखी है अपने को, √3 × 1.25 यहाँ पे अपने पास बोल्ट नंबर, अपने पास बोल्ट वैल्यू होगी 65.21 kN यहाँ पे बोल्ट वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, एक चीज़ कैसे कि भाई अपन जब ये सिंगल शेयर में अपन ये अपना जो गजेट प्लेट लग रही है यहाँ पे, जो कॉलम लग रहा है, अब ये कॉलम यहाँ पे फोर्स इस गजेट प्लेट इस एंगल के ऊपर कैसा आएगा कि भाई अब ये यहाँ जा रहा है तो ये इसका वेट डायरेक्ट नीचे भी जाएगा और इसका वेट यहाँ पे साइडों में भी जाएगा। तो इसको कैसे लेना है कि भाई जब टोटल वेट जो आ रहा है, टोटल अपना 1700 जो हमारा वेट आ रहा है किलोटन में, उसका हाफ हमें इसके अगर हमें यहाँ पे निकालना तो हमें उसका हाफ लेना होगा इधर, उसका हाफ लेंगे हम इधर। तो हमने 0.50 लोड विल बी पास थ्रू द बेरिंग, निकल जाएगा बेरिंग से और 50% टू द कनेक्शन, 50% कनेक्शन पर जाएगा। तो अपन ने 50% लिया तो 0.5 × 1700 kN यहाँ पे डिवाइड बाय 65.21 यहाँ पे किलोमीटर में हमने यहाँ करें तो हमारे पास 13 आ गए। तो हमने 16 बोल्ट ले लिए, 16 बोल्ट लिए अपन ने, 16 में दो रो आ गई। अब रो कैसे बनती है इसके अंदर, रो अंदर अपने इसमें कैसे बनती है कि भाई हमारे पास ये, हमारे पास ये कॉलम होती है, ये रफ डायग्राम है इसका, ये हमारा कॉलम का साइड व्यू है। जो ये हमारा ये कॉलम है इसका हमने जो बेस प्लेट इसका हमने साइड व्यू करा, साइड व्यू से हमारी ये कॉलम ऐसी होती है, हमारी कॉलम ये हमारे बी एफ हो गई ब्रिथ ऑफ फ्लैंज, और ब्रिथ ऑफ फ्लैंज हो गई जो ये बी होती है हमारी गजेट प्लेट, जो गजेट प्लेट होती है ना वो टोटल लेंथ में लगती है, ये टोटल लेंथ में लगती है। और इसमें जो बोल्ट लगेंगे ना हमारे 16 बोल्ट है ना, तो 8 8 हमारे यहाँ पे 8 लगेगा और यहाँ पे 8 ऐसे लगता है हमारा, तो ऐसे हमारा कनेक्शन होता है। और ये हमारा एंगल पे होता है, जो यहाँ पे ना ये एक एंगल लगा हुआ है इधर, ये वर्टिकल दिखा नहीं लेकिन यहाँ पे एक एंगल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से देखा ऐसा होता है हमारे पे कनेक्शन। अब यहाँ पे हो गया हमारा कनेक्शन 8 8 और दो बोथ रोपीज 8 8 लगे। अब डायमेंशन ऑफ गजेट प्लेट लगाएंगे, डायमेंशन ऑफ गजेट प्लेट कैसे लगाएंगे, पहले हाइट, हाइट लेंगे पहले तो 150 अपना क्या होगा, 150 क्या है अपना एंगल की हाइट, पहले लेती है अपना एंगल की हाइट प्लस में उसकी एज डिस्टेंस लेंगे। भाई उसकी एज होगी ना, जब यहाँ पे अपन बोर्ड लगाना है तो उसकी ऊपर से कोई एज भी होगी यहाँ पे एज, और फिर इसकी पिच भी होगी, तो अपन दो एज ले ली, नीचे से भी और ऊपर से भी एज ले ली अपन ने, है ना। तो अपन एज ले ली 2 × का एज प्लस का 1 × का पिच डिस्टेंस, ओके। तो अपने पास क्या है 150 प्लस का 2 × का 1.5 D0, अपने को पता है डी नॉट इसके लिए 1.5 D0 उसके लिए लेते हैं अपन एज डिस्टेंस के लिए, और 2.5 D अपने पिच डिस्टेंस के लिए, डायमीटर ऑफ बोल्ट एंड डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। तो प्लस 288 mm अपने पास यहाँ पे गजेट प्लेट की अपने पास हाइट आ गई, हाइट आ गई। अब लेंथ ऑफ गजेट प्लेट कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया भाई ये जो लेंथ होती है ना ये अपनी ब्रेथ के बराबर होती है, इसकी जो गजेट प्लेट जो लेंथ होती है ना ये इसकी ब्रेथ के बराबर होती है। जो ब्रेथ क्या है, ये ब्रेथ है अपने साइड से देख रहे तो ये ब्रेथ है और ये इसकी गजेट प्लेट की ये लेंथ है, तो ये बराबर है। तो अपना क्या बोलते हो 410 अपने पास यहाँ पे भी, तो 410 × 288 × 16 mm गजेट प्लेट की अपने पास आ गई। यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब सीधे सीधे मैंने शुरुआत में जब कैसे बताया था कि भाई अगर पहले स्लैब बेस में आपने को यहाँ पे इसकी निकाली तो अपना ये होता है स्लैब बेस और ये अपना गजेट प्लेट हो गया LBT। जब ये दोनों निकालते हैं ना वो अपना गजेट बेस हो जाता है, और जब अपन ये सिंगल निकालते हैं वो अपना स्लैब बेस होता है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये सिंपल होता है, और यहाँ पे हमारी स्टील किताब भी खत्म हो जाती है। तो कोई दिक्कत हो बताना, कमेंट करना, नहीं तो फिर लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।